नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। दोस्तों तो दोस्तों यार आज की वीडियो में हम विजिट करने वाले हैं यार स्पॉन आइलैंड में। तो यार हम स्पॉन आइलैंड जाएंगे यार पबजी पीसी लाइट में। जैसा कि आप सब जानते हो पबजी लाइट जो है, हम कह सकते हैं एक तरह से पबजी पीसी लाइट, वो इंडिया में जो है रिलीज़ हो चुकी है। उसके सर्वर जोन है काफ़ी दिनों से, एक दो दिनों से ऑन ही है, ठीक है। तो यार मैंने भी इसे डाउनलोड किया और मैंने इसे थोड़ा खेला, काफ़ी अच्छी गेम है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे, इस गेम के बारे में बात करेंगे, इस गेम का थोड़ा सा आपको रिव्यू दे दूंगा। उसी के साथ साथ यार इसका स्पॉन आइलैंड विजिट करेंगे और यार मैं आपको दिखा दूंगा कि इस गेम का स्पॉन आइलैंड कैसे लगता है। हालांकि काफी फैमिलियर है यार पबजी मोबाइल से, पर तब भी यार जिन्होंने नहीं देखा इस गेम का स्पॉन आइलैंड वो देख सकते हो। तो यार जब ये रिलीज नहीं हुई थी तो यार मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई थी काफी, इसकी प्री रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी बनाई थी। तो दोस्तों जैसा कि यार इन्होंने प्रॉमिस किया था, बिल्कुल वैसी ही गेम है, बिल्कुल पीसी का एक्सपीरियंस है, कोई भी आपको मोबाइल का एक्सपीरियंस नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि इसके जो ग्राफिक्स हैं वो आपको जब आप मतलब डाउनलोड करके प्ले करोगे तो यार डिफॉल्ट से आपको इसके थोड़े ग्राफिक्स स्लो मिलेंगे, जो कि यार आपको मतलब एक लो एंड पीसी के लिए चाहिए होता है। जैसा कि इसका नाम है यार पबजी पीसी लाइट, तो यार लाइट का मतलब तो यही है कि इसके सारे रिसोर्सेज थोड़े कम करके यार इसे पूरा मतलब पीसी वाला एक्सपीरियंस देने की कोशिश दी गई है। तो यार डिफॉल्ट से हम कह सकते हैं इसके जो आपको ग्राफिक्स है थोड़े से मतलब लो मिलेंगे, पर यार आप सेटिंग्स में जाके अगर आपके पीसी में थोड़ी सी पावर है, थोड़े अच्छा ग्राफिक्स कार्ड या रैम है, तो आप उस ग्राफिक्स को यार मतलब बूस्ट कर सकते हो, मतलब पूरी हाई क्वालिटी कर सकते हो, मीडियम क्वालिटी कर सकते हो, या मतलब थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हो। तो यार जैसा कि अभी प्लेन रूट ने मेरा साथ दिया और जो प्लेन रूट था वो कमेशी की तरफ बन गया, तो यार मैंने सोचा यार क्यों ना यहाँ से बोट लेके हम स्पॉन आइलैंड चले जाएं, क्योंकि यहाँ से बोट जो है वो काफ़ी नज़दीक पड़ेगी मुझे। तो यार यहाँ से मैं जो है वो उतर गया। तो दोस्तों अगर मैं इस गेम की बात करूँ यार, तो मतलब 1% भी आपको लैग फील नहीं होगा, चाहे आपका कोई भी मतलब कंप्यूटर है, आपको लैग बिल्कुल नहीं फेस होने वाला, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी। अगर आपको इस पूरी वीडियो में यार थोड़ा सा भी लैग मतलब देखने को मिले तो यार वो मेरे रिकॉर्डर की गलती है, ना कि इस गेम की। मेरे रिकॉर्डर की सेटिंग यार मतलब थोड़ी सी ख़राब थी, इसलिए वो थोड़ा लैग मतलब इसने कर दिया, मतलब अच्छी तरह रिकॉर्ड नहीं कर पाया। पर यार अगर मैं बात करूँ यार ये गेम की, तो यार गेम बिल्कुल नहीं लैग करती, काफ़ी स्मूथ गेम है। अगर हम इसे कंपेयर करें यार पबजी पीसी से यार, जो कि काफ़ी रिसोर्स मांगने वाली गेम है, उसे काफ़ी ज़्यादा रैम चाहिए होती है, ग्राफिक्स कार्ड वगैरह, और तब भी यार वो लैग करती है यार। तो मतलब ये तो यार जो आपके i3 पे चल जाएगी, और मतलब थोड़ा सा आपको इसे ग्राफिक्स कार्ड नहीं भी होगा तो भी ये चल जाएगी। तो यार मतलब काफ़ी अच्छी गेम लगी मुझे। अभी देखो यार पीछे मेरे एक बंदा लेट लैंड किया मुझसे, पर यार वो मतलब बोट में बैठा नहीं, मेरी भाग गया। तो यार मैं भी इधर से चलने की तैयारी में था, मैंने सोचा यार जल्दी चलते हैं हम स्पॉन आइलैंड में, क्योंकि यार फिर आप सबको पता जोन वगैरह भी आ जाएगा। हालांकि अभी मिनट पड़ा था, 4 मिनट पड़े थे जोन को आने के, तो यार हम निकल गए यार उधर स्पॉन आइलैंड की तरफ। तो यार गेम के जो मतलब डिटेल्स है काफ़ी अच्छी हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बोट चल रही है और नीचे जो पानी की डिटेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। तो यार मतलब पूरा एक्सपीरियंस जैसा कि मैंने आपको कहा पबजी पीसी वाला देने की कोशिश की गई है। और यार इधर आप वैसे ही मतलब इसमें आर्केड मोड तो नहीं आपको देखने को मिलेंगे, पर यार उसके अलावा आप मतलब सारे 3 जो मैप हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, मीरामार, सैनोक और इरेंगल। तो दोस्तों पर यार अभी जो विकिंडी है इसमें इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया, FPP और TPP दोनों मोड आपको देखने को मिल जाएंगे। और यार मतलब काफ़ी मतलब अभी बेटा स्टेज में है, तो यार जब धीरे धीरे इसमें अपडेट आएंगे और उसी के साथ साथ अपडेट के साथ साथ इसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो होती रहेगी। तो यार देखो अभी इसके अपडेट आएंगे और मतलब 2.5 GB के करीब गेम है और काफ़ी मतलब लाइट सी गेम है, कोई ज़्यादा मतलब डाउनलोड इसे GB वगैरह नहीं चाहिए होता, 2.5 GB के करीब है यार। मतलब थोड़ी थोड़ी अगर हम कंपेयर करें पबजी मोबाइल का साइज़ भी यार, अगर हम सारे मैप वगैरह डाउनलोड कर लें तो यार इतना ही कुछ बन जाता है। और यार मैं आपको बताना चाहूँगा यार कि मतलब इस गेम में जब आप डाउनलोड करोगे 2.5 GB, तो यार इसके अंदर ही आपको सारे मैप डाउनलोडेड मिलने वाले हैं, आपको कोई भी एक्स्ट्रा से मैप डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी बात मिली। तो यार मैं अगर मैं यार स्पॉन आइलैंड आया और मुझे यार यहाँ पे M4 और शॉटगन देखने को मिल गई, तो यार M4 को यहाँ पे रीलोड करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूँ यार इसमें आपको जो गन्स हैं वो रीलोड की हुई नहीं मिलेंगी, जैसे कि पबजी मोबाइल में मिलती हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा यार पीसी वाला एक्सपीरियंस देने की कोशिश की गई है यार, तो मतलब सब कुछ आपको पीसी की तरह करना पड़ेगा। जैसा कि हमारा यार आया था एक मोड आया था पबजी में यार, जिसमें आपको मतलब साउंड भी नहीं सुनाई देती थी, मतलब ये नहीं पता लगता था बंदा कहाँ से गोली मार रहा है, सिर्फ साउंड से आपको पता लगाना पड़ता था, जिसे हार्डकोर मोड भी कहते थे। तो वैसा सही ये सब है, तो यार आपको खुद ही गन उठानी पड़ेगी और गन उठा के यार वो रीलोडेड नहीं होगी, खुद रीलोड करना पड़ेगा। पर यार इसमें एक चीज़ है पबजी पीसी में, जैसे कि कोई गोली मारता बंदा तो मैप पर शो नहीं होता कि
कि वो कहाँ से मार रहा है, पर यहाँ पे अगर कोई बंदा गोली मारता है या कुछ भी मतलब ग्रेनेड वगैरह मारता है तो आपको मैप पे दिखाई दे जाता है यार मतलब किस डायरेक्शन से ये बंदा चला रहा है गोलियाँ, जो कि मेरे ख्याल से यार नहीं होना चाहिए। अगर इसे पूरी पीसी की तरह बनाना है तो यार इसे मतलब बिल्कुल जो है वो पीसी की तरह ही करना चाहिए। तो देखो यार इधर एक और M4 पड़ी थी और UMP पड़ी थी, तो यार मतलब काफ़ी सिमिलर है अगर हम स्पॉटलाइट कंपेयर करें इसका पबजी मोबाइल से। थोड़े बहुत ही चेंजेस हैं, जैसे कि बाहर आप देखोगे तो यार मतलब बैरल्स लगाए हुए हैं जो कि आने से एंट्री रोकते हैं, वो मुझे नहीं दिखे यार पबजी मोबाइल में। तो यार इधर कुछ खास तो मुझे मिला नहीं, ना ही कुछ मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिला, सिंपल सा सामान मिला, M4 मिली और ये Level 2 का हेलमेट मिल गया। आगे पड़ा था यार ये फर्स्ट एड, ये भी ले लिया, और यहाँ पे भी बैग वगैरह पड़े थे जो मेरे पास थे। यहाँ पे एक 4X मिल गया यार जो कि मैंने उठा लिया, तो यार 4X उठा लिया। अभी हम बाहर चल के और मतलब देखते हैं कि क्या है। तो यार यहाँ पे तो जाने का रास्ता नहीं था, तो यार ये साइड से होगा, तो यार हम साइड से चलते हैं। तो ये देखो यार ये घर आ गया जो कि मिलिट्री बेस में भी होता है ऐसा सा घर। तो यार इसमें जो है आपको मतलब खिड़कियों में, कई खिड़कियों में, जैसे इस खिड़की में कांच नहीं था, पर यार हालांकि कई खिड़कियों में मतलब मोस्ट ऑफ खिड़की आप कह लीजिए उसमें आपको कांच देखने को मिलेगा। तो होता क्या, जब कोई बंदा आपके घर आने की कोशिश करता है यार तो जंप मारता है विंडो से, तो वो कांच टूट जाता है, जिससे कि यार आपको मतलब एक साउंड से सुनाई दे जाती है और आपको मतलब पता लग जाता है कि एनिमी आपके घर के अंदर आ चुका है। तो यार यहाँ से हम निकले और यार इधर देखते हैं, इधर भी कुछ मुझे ज़्यादा खास नहीं मिला देखने को, सिंपल सिंपल चीज़ें थी। और ऐसे यहाँ पे 5.56 पड़ी थी तो वो भी मैंने उठा ली, हालांकि मैंने सिर्फ स्पॉन आइलैंड जाना ही था, मैंने मेरा वापस जाने का कोई प्लान नहीं था कि वापस भी मैंने जाना है मतलब फ़ाइट लेने अपने मतलब जो टीममेट्स हैं उनके साथ मैच पूरा खेलना है, ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था। तो यार ऊपर आ गए हम और इधर देख लेते, तो देखो यार जो इसका स्कोप खुलने का तरीका वो सब पबजी पीसी जैसे आपको मोबाइल जैसा नहीं मिलेगा कि सीधा स्कोप आपके सामने आ गया। यहाँ पे ब्रेथ का भी काफ़ी काम होता है, मतलब स्कोप जो होता है वो ब्रेथ जैसे जैसे बंदा लेता है आपका हिलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। बंदे की ब्रेथ आप होल्ड भी करके रख सकते हो, पर यार ज़्यादा देर होल्ड करोगे तो यार आपकी जो लाइफ है उससे भी अफेक्ट करता है मतलब आपकी हेल्थ को। तो यार ये पबजी मोबाइल में नहीं है, तो यार मैंने सोचा अभी ऊपर भी देख आते हैं इस छत के, इस घर के छत के, क्या पता हमें कुछ मिल जाए अच्छा। तो यार ऊपर गए हम यार, तो इधर ना आपको यार बीपी की काफ़ी सामान मिल जाएगा, मतलब अगर आपके पास अच्छे खासे बीपी हैं तो यहाँ पे आपको बीपी का काफ़ी कुछ मिल जाता है। और यार 7 डेज लॉगिन रिवॉर्ड भी मिलते हैं, और अगर आप 7 दिन तक लगातार लॉगिन करोगे आपको वो ड्रेस मिल जाएगी इंडियन कुर्ता पजामा जो कि पबजी मोबाइल में यूसी की है, तो यहाँ पे बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। उसके अलावा गन्स की स्किन, इमोट्स वगैरह जो है आप बीपी से इस गेम में खरीद सकते हो, ठीक है। तो जो कि मतलब काफ़ी आसान है बीपी कमाने, आपको सिर्फ मैच खेलने होते हैं बीपी मिल जाते हैं आपको। तो यार यहाँ पे मैं जंप करके देखता अंदर क्या है, तो यार यहाँ पे पैन मिल गया और यहाँ पे देखो यार ये ग्रेनेड वगैरह पड़े थे और यहाँ पे M16 पड़ी थी जो कि मुझे नहीं चाहिए थी। और ऊपर जाके देखते हैं यार और क्या है यहाँ पे, तो यार यहाँ पे कुछ और खास नहीं है। Level 1 का बैग पड़ा है, Level 1 का हेलमेट पड़ा है। तो इधर देखते हैं यार यहाँ पे यार कुछ नहीं पड़ा ज़्यादा खास, और देखते हैं बाहर क्या है। तो यार इधर बाहर आए तो यार यहाँ पे भी कुछ खास नहीं पड़ा। तो यार देखो यार अभी उठाते, अभी यार बंदा कहाँ से आ गया मुझे ये समझ नहीं आया, ये बंदा एकदम से आ कहाँ से गया, प्रकट ही हो गया मेरे ख्याल से बॉट होगा, पर यार जैसे इसने पैंट पहनी है मुझे लग नहीं रहा यह बॉट है, पर हो भी सकता है क्या पता, क्योंकि यार बॉट्स के पास जनरली अच्छे कपड़े रहते हैं मोबाइल वाले वर्जन में। तो यार यहाँ पे हेल्थ लगा ली मैंने और नीचे जाके देखते हैं कि नीचे हमें क्या देखने को मिलता है। तो यार यहाँ पे उस बंदे की पहले क्रेट लूट कर रहते हैं, क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए उसकी क्रेट में, लूट की नहीं हमने, तो लूट करते हैं। तो यार वेक्टर है इसके पास और 0.45 ACP है जो कि बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे, मेरे पास उनसे अच्छी गन है AKM और M4 है मेरे पास। तो पेन किलर लेते हैं और नीचे उतरते हैं, देखते हैं नीचे क्या है। तो यार जैसे मैं नीचे उतरा यार मेरे ख्याल से मोबाइल वाले वर्जन में यहाँ पे एक केव सा होता है, शेल्टर सा जैसे हम कह सकते हैं, केव होता है शेल्टर में वैसा ही होता है। तो इधर देखते हैं है कि नहीं, तो ये है यार केव यहाँ पे भी है, तो नीचे चलते हैं और देखते हैं इस केव में अगर हमें कुछ मिल जाए अच्छा। तो यार देखते हैं यहाँ पे Level 2 का बैग पड़ा है, और इसके अलावा यार ये 9mm पड़ी है और पिस्टल पड़ी है, और ये Level 2 का बैग और M762 पड़ी है। उठा लेते हैं यार M762 को, हालांकि मैं मोबाइल वर्जन में AKM प्रेफर करता हूँ। पर यार दोस्तों एक चीज़ जो इसमें नोटिस करने वाली है यार कि इसमें रिकॉइल संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, हालांकि मुझे नहीं पता है मैं नूब हूँ या क्या हो रहा है, पर यार इसकी मैंने काफ़ी सेंसिटिविटी वगैरह चेंज की, सेटिंग्स चेंज की, पर इसमें रिकॉइल संभालना यार मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का काम है। मतलब आप कह सकते हो एकदम जो बंदा इस पबजी लाइट में नया इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसने पहले कभी खेली नहीं पबजी लाइट, उसके लिए यार काफ़ी मुश्किल होने वाला रिकॉइल कंट्रोल करना। तो दोस्तों यार यही सब था यार, हम स्पॉन आइलैंड विजिट कर गए, अब अपने आप को मार लेते हैं क्योंकि और कुछ बचा नहीं देखने को यहाँ पे, बाकी सब सेम ही है पबजी हम
कह सकते हैं मोबाइल जैसा ही है, बस ग्राफिक्स वगैरह थोड़े बढ़ाए गए हैं और थोड़ी एक दो चीज़ें जो हैं ऐड की गई हैं, जैसे वो बैनर्स वगैरह हम कह सकते हैं, हम बैरियर्स हो गए जो कि बंदों को आने से रोकते हैं, पर मुझे ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं, बस पबजी हमारी मोबाइल जैसा ही था ज़्यादातर। तो दोस्तों यार आज की वीडियो इतनी थी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी देख पाए यार कि पबजी लाइट का स्पॉन आइलैंड लगता कैसा है। तो दोस्तों यार मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।